इस एक महीने में भारत ने चीन के खिलाफ कई ऐसे बड़े कूटनीतिक कदम उठाए हैं जो देखने में भले ही मामूली लगे पर चीन को टेंशन देने के लिए काफी थे। चीन कितना बेचैन है उसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि चीन के राष्ट्रपति की कुर्सी संभालने के बाद पहली बार शी जिनपिंग को तिब्बत का दौरा करना पड़ा। लेकिन अब जो हुआ है उससे चीन बुरी तरह चिढ़ गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने दिल्ली में तिब्बत की निर्वासित सरकार के प्रतिनिधि से मुलाकात की। ये चीन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। दरअसल ब्लिंकन ने दिल्ली में दलाई लामा के प्रतिनिधि नुडुप डोंगचुंग से मुलाकात की। डोंगचुंग केंद्रीय तिब्बत प्रशासन यानी CTA के प्रतिनिधि के रूप में भी काम करते हैं जिसे निर्वासन में तिब्बत सरकार भी कहा जाता है। चीन को अब ये मुलाकात चुभ रही है क्योंकि चीन कभी नहीं चाहता कि तिब्बत के मसले पर कोई भी देश दलाई लामा और निर्वासित तिब्बती नेताओं से बात करे। अब जरा इन घटनाओं पर नजर डालिए। बीते एक महीने में भारत ने चीन को तीन बेहद कड़े संदेश दिए हैं। 1 जुलाई को जब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अपनी स्थापना के 100 साल का जश्न मना रही थी तब भारत ने उसे पूरी तरह अनदेखा कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो दूर, किसी भी केंद्र मंत्री और बड़े नेता ने चीन को बधाई देने की जरूरत नहीं महसूस की। इस सांकेतिक चुप्पी को जो लोग संयोग मानकर चल रहे थे उनके लिए दूसरा गहरा संदेश इसके 3 दिन बाद आया जब 4 जुलाई को अमेरिका के स्वाधीनता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को बकायदा ट्वीट करते हुए बधाई दी। 6 जुलाई को तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा के 86वें जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें सार्वजनिक तौर पर बधाई दी। ये पहला मौका था जब मोदी ने दलाई लामा को सार्वजनिक तौर पर जन्मदिन की बधाई दी थी। अमेरिका भी काफी समय से चीन को घेरने के लिए तिब्बत के रास्ते ही दबाव बना रहा है। पिछले ही साल अमेरिका ने तिब्बत को लेकर एक ऐतिहासिक कदम उठाया था और चीन को 60 साल में सबसे बड़ा झटका दिया था। अमेरिका ने पहली बार सेंट्रल तिब्बत एडमिनिस्ट्रेशन के उस समय के प्रधानमंत्री लोबसांग सांगे को व्हाइट हाउस में आने का न्योता दिया था। चीन की पूरी कोशिश है कि नए दलाई लामा के चयन की प्रक्रिया पूरी तरह उसके नियंत्रण में रहे लेकिन अमेरिका ने साफ कर दिया है कि दलाई लामा का चयन तिब्बतियों का मामला है और ये काम पूरी तरह से उन पर छोड़ देना चाहिए। वैसे दलाई लामा और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की मुलाकात चीन आज भी नहीं भूल पाया है। आइए इस वीडियो में समझते हैं कि आने वाले दिनों में भारत और अमेरिका चीन को तिब्बत के रास्ते कैसे घेरेगा। 28 जुलाई को दिल्ली यात्रा पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने दलाई लामा के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और लंबी चर्चा की। इस मुलाकात को बहुत खास समझा जा रहा है क्योंकि 2016 के बाद पहली बार अमेरिका का इस स्तर का कोई अधिकारी दलाई लामा या उनके प्रतिनिधियों से मिला है। जाहिर है कि तिब्बत की आजादी के संघर्ष को अब अमेरिका खुलकर समर्थन देना चाहता है। तिब्बत की आजादी का संघर्ष पिछले 70 साल से चल रहा है और तिब्बत की आजादी का संघर्ष जैसे जैसे तेज होगा चीन की परेशानियां बढ़ती जाएंगी। भारत वैसे भी तिब्बतियों का दूसरा घर है। 1950 के दशक में जब तिब्बती लोगों का दमन चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के शासन ने शुरू किया था तब लाखों तिब्बतियों ने भागकर भारत के अलग अलग शहरों में शरण ली थी और आखिरकार तिब्बतियों के धार्मिक नेता और उनके शासक दलाई लामा ने भी भारत में शरण ली थी और तब से लेकर आज तक तिब्बत की निर्वासित सरकार हिमाचल प्रदेश के एक शहर से ही चलाई जा रही है। इसी साल 6 जुलाई को दलाई लामा के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल उनको शुभकामनाएं दी बल्कि इस बात को जाहिर भी किया। जाहिर है चीन के लिए ये बहुत परेशानी की बात है। चीन ने अपनी प्रतिक्रिया दूसरे ही दिन दे दी जब 7 जुलाई को पूर्वी लद्दाख के दमचौक में दलाई लामा का जन्मदिन मनाने के लिए जुटे गांव वालों के ऊपर चीनी सेना ने छींटाकशी की, उनके ऊपर नारेबाजी की और दलाई लामा के विरोध में पोस्टर दिखाए। जाहिर है कि तिब्बत की आजादी का संघर्ष जैसे जैसे तेज होगा वैसे वैसे चीन की परेशानियां बढ़ती जाएंगी। दरअसल भारत और चीन की कोई भी सीमा 1950 से पहले नहीं मिलती थी। भारत और चीन के बीच में तिब्बत है जिस पर 70 साल पहले चीन ने अवैध कब्जा कर लिया था और तब से लेकर आज तक चीन न केवल बौद्ध धर्म के अनुयायी तिब्बती लोगों के धार्मिक अधिकारों का हनन कर रहा है बल्कि वहाँ मानवाधिकार जैसी भी कोई चीज़ नहीं है। लाखों तिब्बती न केवल भारत बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहकर तिब्बत की आज़ादी की अलग जगह हुए हैं। इस स्थिति में कि जब दुनिया के सारे बड़े देश इस समय चीन के खिलाफ है
उसके मानवाधिकार को चलने के उसके जो तरीके हैं उसको लेकर चीन पर नाराजगी बढ़ती जा रही है। और ऐसी स्थिति में अमेरिका और भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश अगर तिब्बत की आज़ादी का समर्थन करने में आगे आएंगे तो लाखों तिब्बतियों को ये आकांक्षा पूरी हो सकेगी कि एक दिन वो वापस तिब्बत में जाएंगे जो तिब्बत चीन के कब्जे से आज़ाद हो। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.